गुड मॉर्निंग। आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सुबह सुबह जब मैं स्कूल के लिए निकल रहा था तो हमने एक न्यूज़पेपर में लाइन्स पढ़ी कि दो बेस्ट फ्रेंड आपस में एक दूसरे से झगड़ा कर बैठे। वो दो बेस्ट फ्रेंड नर्सरी से साथ पढ़ते आ रहे थे, पता नहीं क्या हुआ, 11th स्टैंडर्ड के बच्चे, कोई मैटर होगी, आई डोंट नो, लेकिन दोनों में झगड़े इस तरह से हुए कि हॉस्पिटल तक ले जाने पड़े। मुझे ये नहीं पता चलता जब इतने क्लोज फ्रेंड्स हैं तो फिर ये झगड़ा क्यों, ये सबसे बड़ा सवाल है। मतलब कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी दोनों के बीच में। अब ये मिसअंडरस्टैंडिंग होने का कारण क्या है? कारण ये है कि दोनों को एक दूसरे पे विश्वास कम होने लग गया। विश्वास अगर कम हो जाता है तो जितने भी अच्छे पुराने रिलेशंस क्यों ना हो वो बिगड़ जाते हैं। अभी एक फैमिली के तीन सदस्य हैं, वो जा रहे थे मैरिज सेरेमनी अटेंड करने। एक पापा, उसकी वाइफ और एक छोटी सी बच्ची। जब लोग रास्ते से जा रहे थे तो बीच में अचानक एक छोटी सी लड़की बलून बेचते हुए उनकी गाड़ी के सामने आके खड़े हो गई। अब वो गाड़ी के अंदर जो छोटा सा बच्चा बैठा था वो रोने लगा, जिद करने लगा कि मुझे ये बलून चाहिए। मम्मी ने उस बलून वाली लड़की को बुलाया और बोले कि बलून कितने के? उस लड़की ने कहा 20 रुपीज की वन बलून। अब ये 20 रुपीज की बलून, उसकी मम्मी ने कहा नहीं आप मुझे 10 रुपीज में दे दो। लड़के ने कहा नहीं 10 रुपीज में तो मेरा खरीदी भी नहीं हुआ, मैं नहीं दे सकती। तो बच्चा रोने लगा तो मम्मी ने सोचा चलो थोड़ा इमोशनली थोड़ा मैं बातें करके देखती हूँ। तो मम्मी ने कहा देखो बच्ची, ये छोटा सा लड़का आपके भाई जैसा है ना, तो आप उसको 10 रुपीज में नहीं दोगे? तो लड़की ने क्या सोचा, एक बलून लेकर आई और उस बच्चे के हाथ में थमा दी। जैसे ही वो बलून थमाई, वो गैस बलून थी और वो बलून ऊपर की तरफ उड़ गए। अब वो लड़की वापस गई, दूसरी बलून लेकर आई और दूसरी बलून उस छोटे से बच्चे के हाथ में थमा दी। तो उस मम्मी ने सोचा अरे यार दो बलून है तो 20-20 40 रुपीज हो गया। उसने उस लड़की को साफ साफ कह दिया कि मैं आपको इस बलून के 40 रुपीज नहीं देने वाली, मैं आपको 10 रुपीज ही दूंगी। तो लड़की ने जवाब दिया कि आंटी मुझे एक भी पैसे नहीं चाहिए, ये मेरी तरफ से इस लड़के को गिफ्ट है। तो उसकी मम्मी शॉक्ड हो गई, वो सोची, उसने ऐसा कहा कि अभी तक तो आप मोल भाव कर रहे थे और अचानक ये क्या हो गया? तो उस छोटी सी बच्ची ने कहा देखो हमें जीवन का एक बड़ा सा सीख मिलता है यहाँ से। उस छोटी बच्ची ने कहा कि आंटी अभी अभी आपने हमसे कहा कि क्या आप अपने छोटे से भाई को बलून नहीं दे सकती, तो जो कि ये मेरा छोटा भाई हुआ, छोटे भाई से एक बड़ी बहन पैसे कैसे ले सकती है, इसलिए मेरी तरफ से मेरे छोटे भाई को गिफ्ट है। उस मम्मी ने सोचा चलो कुछ बातचीत करके देखती हूँ। उसने पूछा बेटा तुम्हारे घर पे कौन है? उसने कहा मेरे घर पे मैं और मेरी मम्मी हूँ। तो बोलते आपने ये पैसे क्यों नहीं लिए? तो बोलते हैं मेरी मम्मी ने मुझे एक ही सीख दी है कि रिश्ते में नफा नुकसान कभी मत देखना। वाह क्या सीख दी है उसकी मम्मी ने, रिश्ते में नफा नुकसान कभी मत देखना। देखो यही सीख कहां कहां पहुंचती है हम आपको बताते हैं। उस मम्मी ने क्या किया, अपने जेब में एक नया पेटी तक मोबाइल था, मेरे शरीर में जा रहे थे किसी को गिफ्ट देना था, तो उसके पर्स में से मोबाइल निकाले और उस मोबाइल उस लड़की को थमा दी। तो छोटी सी बच्ची शॉक्ड हो गई, बोला आंटी एक बलून के बदले में आपने मुझे मोबाइल दिया? तो उस मम्मी ने कहा कि बेटा रिश्ते में नफा नुकसान नहीं देखते। वाह क्या सोच, क्या बात कह दी इन्होंने। बस जीवन का सार यही है
रिश्ते में कभी भी नफा नुकसान मत देखो। आजकल हम देखते हैं, आप कोई भी संस्था में जाओ, चाहे रेलवे के कर्मचारी हो, चाहे बैंक के कर्मचारी हो, चाहे कोई एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड कर्मचारी हो, वो सब अपने आप को सुपीरियर बताने के लिए अपने बॉस को इम्प्रेस करने में लगे हुए रहते हैं। और अपने बॉस को इम्प्रेस करने के लिए वो लोग इस हद तक गिर जाते हैं कि वो अपने को पार्टनर से यानी कि फ्रेंड्स को भी नीचे दिखाने में कभी कमी नहीं छोड़ते। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आप किसी की बुराइयां करके ऊपर नहीं आ सकते, ऊपर तो आपको आपका कर्म ही लेकर जाएंगे। आप अपने फ्रेंड्स के साथ में रिलेशन अच्छा बना के रखो, उनके साथ संबंध अच्छा बना के रखो, जो भविष्य में आपको हमेशा काम आएगी। अब आगे जाके ये तीन फैमिली जो थे आगे गए, उसके पापा ड्राइविंग कर रहे थे, गाड़ी साइड से रोकी, अपना मोबाइल निकाला और फोन किया अपने बड़े भाई को, बोले भैया वो जो कोर्ट में हमारा केस चल रहा था जमीन को लेकर, वो केस मैं वापस ले लेता हूँ, मुझे वो जमीन नहीं चाहिए, मुझे वो दुकान भी नहीं चाहिए जो चार रस्ते पे है, ये जमीन और दुकान दोनों में आपको दे देता हूँ। वो बड़े भैया शॉक्ड हो गए, अरे छोटे कल तक तो आप ये फाइल कर दिए थे कोर्ट में, आज ये क्या हो गया कि अचानक से आप दोनों मुझे मेरे नाम पे कर दे रहे हैं। तो बोलते हैं, भैया रिश्ते में नफा नुकसान नहीं देखते, इसीलिए हम आपको ये फ्री में आपको हमने भेंट कर दी। वो बड़े भाई इमोशनल हो गए, अरे छोटे इतने छोटे हो के आपने इतनी बड़ी बात कह दी, एक काम करो अब शाम को घर पे आओ, हम लोग मिलकर बातें करते हैं, खाना खाते हैं। देखो कहने का मतलब ये है कि रिश्ते जो होते हैं बहुत कीमती होते हैं, इसको संभाल के रखो। अपने मतलब के लिए किसी को नीचा गिरा कर रिश्ते कभी भी पनप नहीं सकते। बस जीवन का सार यही है कि हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और दूसरे को खुश करते रहो। थैंक यू।